आज हमने सैम्पल प्रॉब्लम्स करने हैं जो हम चैप्टर 8 कर रहे थे, उसके कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम कितना कर पाते हैं। सबसे पहला जो सैम्पल प्रॉब्लम है इसमें वो हॉल इफ़ेक्ट के बारे में है। अभी एक स्टूडेंट कह रही थी कि आपने हॉल इफ़ेक्ट नहीं किया, तो उसका एक दफ़ा आप रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको वो फॉर्मूले जहन में नहीं होंगे आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं जी, अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर 150 माइक्रोमीटर थिक, थिकनेस जो है उसको इसने 150 माइक्रोमीटर कहा हुआ है। इज़ प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.65 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्ट्रिप। मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रिप के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अगर आपको हॉल इफेक्ट वाला लेक्चर याद है तो उसमें भी हमने एग्जैक्टली यही वाली ओरिएंटेशन रखी हुई थी। एंड अ करंट 23 एम्पेयर इज सेट अप इन द स्ट्रिप, व्हाट हॉल पोटेंशियल डिफरेंस वुड अपीयर अक्रॉस द विड्थ ऑफ स्ट्रिप ऑफ इफ देयर वर वन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट एटम। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो हैं उसने बता दिए हैं। कॉपर वायर के लिए बेटा आपको ये याद रखना पड़ेगा, वन चार्ज कैरियर्स पर यूनिट एटम। ये क्या किया हुआ इसने, ये क्या किया है इसने, कॉपर स्ट्रिप। अच्छा, आपको कॉपर का चार्ज नंबर याद है किसी को, इलेक्ट्रॉन नंबर? या चलें उसको हम देख लेंगे किसी टेबल से। फिलहाल आप ये वैल्यू याद रख लीजिएगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की, इसको हम वेरीफाई कर लेंगे बाद में। करंट की वैल्यू गिवन है, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। थिकनेस को हमने अपने टॉपिक में स्मॉल एल से ज़ाहिर किया था, उसने यहाँ पर टी से ज़ाहिर किया हुआ है। हमने इसको स्मॉल एल से ज़ाहिर किया था उस डेरिवेशन में। बेसिकली ये स्ट्रिप कुछ इस तरह की होती है। फ़र्ज़ करें ये है स्ट्रिप का साइड व्यू और ये है इसकी थिकनेस। इसमें हमारी डेरिवेशन में दो चीज़ों का रोल था, एक विड्थ का एक थिकनेस का। थिकनेस को हमने स्मॉल एल से ज़ाहिर किया था, उसने यहाँ पर इसको स्मॉल टी से ज़ाहिर किया हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के लिए जो रिलेशन बनाया था उस टॉपिक में वो था आई बी डिवाइडेड बाय ई वी एल, और ये V है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम हॉल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ये L था थिकनेस। यहाँ पर हम थिकनेस को नाम देंगे, T का नाम दिया हुआ है तो उसने यहाँ पर T लिख दिया, कोई मसला नहीं है। हमने चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बनाना था, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस को उधर उधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नीचे आ गए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पहले से ही नीचे है और थिकनेस जिसको हमने एल से जाहिर किया था वो भी नीचे है। ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। यूनिट इसने गलत लिखे हुए हैं, एक सेकेंड जरा। ये आपको नज़र आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है, ये वही वाला टॉपिक है जो मैंने तब लिखा था। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया ना, तो उसने यूनिट इसके गलत लिखे होंगे। जारी बात है पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके यूनिट्स मीटर मीटर में तो नहीं आएंगे, उसके यूनिट वोल्टेज में आएंगे, तो इसके आप यूनिट ठीक कर लीजिएगा।
वोल्ट कर लें। इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर टू। प्रॉब्लम नंबर टू में कह रहा है अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ कॉपर वायर कैरीज अ करंट ऑफ 28 एम्पेयर। करंट की वैल्यू उसने बता दी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू फ्लोट द वायर टू बैलेंस इट्स वेट। इट्स लीनियर मास डेंसिटी इज 46.6 ग्राम पर मीटर। बेटा लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। ये उसने वैल्यू बता दी है। तो अगर हम इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि मैग्नेटिक फोर्स और वेट ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं ILB साइन ऑफ थीटा। अब थीटा जो है इसको हम 90 के एंगल पे कंसिडर कर रहे हैं और जब थीटा 90 होगा साइन 91 हो जाएगा। आपके पास ILB बच गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह MG आ गया और L को यहाँ पे डिवाइड कर लें, M ओवर L बन गया और M ओवर L वही है जिसे हम लीनियर मास डेंसिटी कह रहे थे। G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, I जो है वो करंट है। यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे, M ओवर L की वैल्यू, G की वैल्यू और I की वैल्यू, तो हमारे पास रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 3। A rectangular loop of wire consisting of 9 turns and having a width of A, width को नाम A दिया हुआ है, length का नाम B रखा हुआ है, is attached to one pan of the balance in magnetic field. A current, इतना current flow कर रहा है उस wire के अंदर। वो कह रहा है कि जब हम current को on करते हैं तो जो balancing क्या बोलते हैं बैलेंस है, आप इसे वेइंग मशीन है कोई, मतलब इसके दो पैन्स हैं, जैसे वो तकड़ी होती है ना नाप नापने वाली तोलने वाली, तो उसके एक तरफ उसने सर्किट सेट किया हुआ है। जब हम करंट को ऑन करते हैं तो जाहिर बात है फोर्स लगती होगी, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ, और दूसरी तरफ उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई मास डालना पड़ता है और वो मास है ये वाला। तो इसमें बेसिक कंडीशन वही है दैट मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय एडिशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एडिशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी में वो वाला मास आएगा जो उसने बताया है। इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करके यहाँ पुट कर देंगे और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की जगह आएगा ILB साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर L की जगह उस रॉड की लेंथ आएगी जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो एंगल पे नहीं है, किसी और एंगल पे है। और असल में ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ना, ये क्वेश्चन डायग्राम के बगैर दिया गया है। जो मेन टेक्स्ट बुक है उसमें ये क्वेश्चन डायग्राम के साथ होता है। तो डायग्राम में कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये वाली जो लेंथ है ना, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो या 180 एंगल बन रहा होगा और ये वाली जो विड्थ है इसका एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री। तो इसलिए हम अलोंग द लेंथ अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो तो जीरो आएगी क्योंकि एंगल जीरो बन रहा है। तो इसलिए हम अपने फॉर्मूला में रॉड की लेंथ की जगह स्मॉल ए पुट करेंगे और उसका एंगल 90 है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये बन जाएगा IA लेंथ ऑफ रॉड की जगह हमने विड्थ पुट कर दिया A, साइन 90 की जगह 1 आ गया। साथ ही यहाँ पे N से भी मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा क्योंकि N के बारे में उसने बताया है कि N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब आपका ये बेसिक फॉर्मूला बन गया है जहाँ से उसने स्टार्ट किया है। आगे आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आप मुझे ये बताएं आपको इस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने बातें बताई हैं उनकी समझ आ गई है? तो चूंकि यहाँ पर डायग्राम नहीं बनी हुई, ये क्वेश्चन जब भी आएगा वो डायग्राम के साथ आएगा क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डिटेल नहीं है। कुछ डिटेल जो है वो डायग्राम के अंदर थी जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई।
तो बहरहाल यहाँ से हमने रीअरेंज करके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बना लेना है, और उसको फिर आप बाद में आपने वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉयल विच इज़ 2.1 सेंटीमीटर हाई, 1.2 सेंटीमीटर वाइड एंड 250 टर्न्स एज यूज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। यानी उसने उसी कॉयल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, उसकी नई वैल्यूज दे दी हैं। एज्यूमिंग दैट इट कैरीज अ करंट ऑफ इतना 85 माइक्रो एम्पेयर, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉयल इज लाइंड अप विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.85 टेस्ला। हाउ मच वर्क वुड बी डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट द कॉयल थ्रू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन असल में दो पार्ट्स में है, पहले हम पार्ट ए देखते हैं, उसके बाद हम पार्ट बी देखेंगे। पार्ट ए में देखें, उसने एरिया ऑफ कॉयल जो है वो बता दिया है, लेंथ इनटू विड्थ को मल्टीप्लाई किया, एरिया आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स बता दिए, करंट बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड बता दिए, और इसमें वो पूछ रहा है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको मैंने थ्योरी में करवाया था, NIA, ये हमने टॉर्क वाले टॉपिक में पुट भी किया था। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये करंट है, ये एरिया है, तीनों को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो पार्ट बी है, इसमें वो टोटल वर्क पूछ रहा है 180 डिग्री एंगल रोटेट करने पे। तो आपको याद होगा हमने इस टॉपिक में एंड पे वर्क या पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला बनाया था, ये वाला। तो इसमें फाइनल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन की जगह 0 पुट कर दें, फाइनल पोजीशन की जगह 180 पुट कर दें, और देख लें क्या आंसर आता है। कॉस 180 जो है ये हो जाता है -1, और कॉस 0 जो है ये हो जाता है +1। -1 -1 बन जाएगा -2, और इस तरह से फाइनल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है जी। इसके बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हम देख लेते हैं। जी बेटे, प्रॉब्लम नंबर 3 में ये बी की वैल्यू दी है, इसका कहाँ यूज किया है? प्रॉब्लम नंबर 3 में बी की वैल्यू दी है, बी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, पार्ट ए में या बी में? सर ये सैंपल प्रॉब्लम्स में इस वक्त जो प्रॉब्लम नंबर 3 आपको से ऊपर वाला जो 3 से ऊपर वाला ये वाला, जी शो ही नहीं हो रहा है। बेटा आप प्रॉब्लम 3 की बात कर रही हैं या प्रॉब्लम 2 की? हाँ जी यही वाला अच्छा, ये जो बी लेंथ है, प्रॉब्लम 3 की। हाँ ये इसका कह रही हैं आप लेंथ? हाँ, इसका यूज़ नहीं होगा ना। असल में मैं आपको यही बता रहा था कि इसके साथ एक डायग्राम आनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें जो रॉड है इस तरह पड़ा हुआ है, ऐसे करके फ़र्ज़ करें कोई डायग्राम है, हाँ सर और मैं उसको लिख दी। हाँ बिल्कुल, आप फ़र्ज़ करें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और फ़र्ज़ कर लें लेंथ जो है वो ये थी जिसको उसने मेरे ख्याल बी का नाम दिया हुआ है, और विड्थ ये थी जिसको ए का नाम दिया हुआ है। अब आप देखें ये जो लेंथ वाली साइड है बी, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ या तो 0 एंगल बन रहा है या 180 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे या फिजिकल IlBsin(θ) करके, तो यहाँ पर लेंथ की जगह तो नो डाउट बी आ जाएगा, लेकिन एंगल यहाँ पर या 0 है या 180 है, तो इसका आंसर फोर्स का 0 हो जाएगा। यानी रिजल्टेंट फोर्स में इस पोर्शन की कंट्रीब्यूशन है ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर 0 आ गया, तो उसको हमने काउंट ही नहीं किया। असल में इसके साथ डायग्राम होनी चाहिए, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है जी। अच्छा, आपके ये सैम्पल प्रॉब्लम्स हो गए, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम देखते हैं कि हैं कितने। एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, ये काफ़ी है माशाल्लाह आपके, ये 13 है आपके। अब आप देखें इनके अगर आप सोल्यूशन को देख लेंगे ना डायरेक्ट, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स का वो फार्मूला यूज़ कर रहा है, आई एल बी साइन थीटा, इसका मतलब है ये भी इजी है। इसी तरह यहाँ पे वो डायपोल मोमेंट को एज अ वैक्टर कंसिडर करके उसकी वैल्यू निकाल रहा है, और फिर टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क ये वाला फार्मूला है, और ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपने किया हुआ है। तो ये सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है अगर आप गौर से उसको देख लेंगे ना। इसी तरह यहाँ भी डायपोल मोमेंट का फार्मूला है, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर आ गया, वो सर्कुलर शेप में होगा। इसी तरह टॉर्क का फार्मूला एन आई ए बी साइन थीटा। इसी तरह यहाँ से म्यू का फार्मूला लिख के करंट की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये सारे आप खुद कर सकते हैं, ये आपने खुद करने हैं। यहाँ भी करंट की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो कॉफिश जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है स्टेटमेंट के मुताबिक। ये देखें, द कॉफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन, फाइंड द स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक फोर्स दैट वुड कॉज द बार टू रोटेट। यानी कोई एक बार है जो किसी एक सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, हमने उसको उस पर फोर्स लगाई है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, और हम चाहते हैं कि कम से कम इतनी मैग्नेटिक फोर्स का पता चले जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू हो जाए, स्लाइड करना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है हमने इसमें मिनिमम कंडीशन के लिए क्या करना है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कर देना है। तो जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला बन जाएगा, और यही उसने पूछी है। इसी तरह ये दोबारा हॉल इफेक्ट है, वो हॉल इफेक्ट में जो आपने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के लिए फार्मूला बनाया था, जो हमने लिखा था, हमने इसको लिखा था आई पी डिवाइडेड बाय ई वी एल की शक्ल में, उसने थिकनेस को टी से जाहिर किया हुआ है, सेम वही चीज़ है। इसी तरह यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू को हम मैग्नेटिक फोर्स के इक्वेट कर देंगे। और यहाँ पे उसने जो चार्ज पार्टिकल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने भेजा है और वो सर्कल में घूमना शुरू हो गया, उसके पाथ का रेडियस निकालना है, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कैनेटिक एनर्जी निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, उसको जब आप पुट करेंगे तो मास के साथ मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सारे जो हैं वेलोसिटी और फोर्स ये वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये हम क्या करेंगे, हम वेक्टर फॉर्म में इसको फाइंड कर लेंगे। ये देखिए एफ इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी है ना, तो इस तरफ इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उसका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपल वैक्टर को मल्टीप्लाई किया, बाद में उसके बाद राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर जो कॉफिशेंट्स हैं आई जे और के उनको कंपेयर कर लेंगे, उनको कंपेयर करने से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहां पे उसने क्वेश्चन किया होगा कि मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनकी रेशियो निकालें या उनको कंपेयर करें। इसी तरह यहां भी पहले उसने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यूज करवा के वेलोसिटी निकाली है, और वेलोसिटी के बाद कैनेटिक एनर्जी। इसी तरह ये वेलोसिटी सिलेक्टर वाला होगा क्वेश्चन, इसमें आप जानते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाती हैं, और फिर हम इसके फार्मूला को इस्तेमाल करके वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल निकाल सकते हैं जो वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर सीधा पास कर जाएगा। यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूला यूज़ करके सिंपल आंसर निकालना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर सिक्स में 0.1 सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, सी से मुराद है स्पीड ऑफ लाइट। ये देखें यहां लिखा हुआ है ना 0.10 द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट का 0.1 टाइम द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सी स्पीड ऑफ लाइट को जाहिर कर रहा है। और कोई बात, जी बच्चों यहाँ तक क्लियर है?
ओके जी, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।